धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी बनाए गए विशाल नेहरिया ने समर्थकों के साथ इंद्र नाग मंदिर में माथा टेका और इसके बाद विशाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व कांगड़ा चंबा के सांसद किशोर कपूर के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। नेहरिया को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान नेहरिया ने बताया कि वे नामांकन दाखिल करने अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विशाल नेहरिया ने समर्थकों सहित इंद्रू नाग मंदिर में माथा टेका और इसके बाद विशाल नेहरिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता व कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर के घर जाकर आशीर्वाद लिया। नेहरिया को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। मीडिया से बातचीत में नेहरिया ने कहा कि वे कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, सांसद किशन कपूर सहित भाजपा के आला नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। विशाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में 20,000 पार का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे बड़ी जीत दर्ज कर धर्मशाला के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि वे सांसद किशन कपूर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के सहयोग से धर्मशाला के विकास को नया आयाम देंगे। भाजपा प्रत्याशी ने देर शाम पालमपुर जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से भी आशीर्वाद लिया। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। 20 जुलाई 1988 को जन्मे विशाल नेहरिया वर्ष 2007-08 में धर्मशाला कॉलेज में एबीबीपी इकाई अध्यक्ष रहे। वहीं वर्ष 2009 में धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में लॉ की पढ़ाई के दौरान नेहरिया एबीबीपी की ओर से एससीए अध्यक्ष चुने गए। वहीं वर्ष 2009-10 में नेहरिया स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सचिव चुने गए। नेहरिया ने धर्मशाला कॉलेज से एमए इंग्लिश की पढ़ाई भी की। इसके बाद विशाल नेहरिया ने बाजुमो में प्रवेश किया और उन्हें प्रदेश सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य करने का मौका मिला। पेशे से वकील विशाल नेहरिया ने कुछ समय तक धर्मशाला में वकालत की, जबकि अधिकतर समय नेहरिया संगठन कार्य में ही लगे रहे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी हाईकमान का, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी का, समस्त पार्टी के हाईकमान का, जिन्होंने ये मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास दिलाया और भाजपा का प्रत्याशी बना। जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर ये विश्वास दिलाया, मैं मंच के माध्यम से पार्टी हाईकमान को भी विश्वास दिलाता हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ मिलजुल कर कार्य करने का प्रयत्न करूंगा और यहां से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को आगे की ओर लेकर जाऊंगा, सदैव अग्रसर रहूंगा। क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? प्राथमिकता देखिए जी, हमें निश्चित तौर पे धर्मशाला के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जो भी यहां पर जन समस्याएं रहेंगी उन जन समस्याओं के लिए मैं निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।